जय हिंद भारत का मोस्ट वेटेड आईपीओ पी का आईपीओ पी अब आने के लिए तैयार है वित्त मंत्री के ऐलान से लेकर इसके फाइनल डेट को आने तक में दो साल का समय लग गया लेकिन फाइनली दो साल के बाद अब एल का आईपीओ नेक्स्ट वीक से ओपन होने जा रहा है तो इस वीडियो में हम लोग एल का डिटेल्स जानेंगे और उसके बाद मैं अपना रिव्यू रखूंगा लास्ट में कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आइए वीडियो शुरू करते हैं देखिए दोस्तों एल का आई हम लोग जानते हैं कि इसकी जो पूरी हिस्सेदारी हंड्रेड सरकार के पास है सरकार अपने हंड्रेड हिस्सेदारी में से पहले पाँच हिस्सेदारी बेचना चाह रही थी लेकिन बाजार में अभी अस्थिरता का

सरकार इस आईपीओ के जरिए बाजार से इक्कीस हजार आठ पॉइंट चार आठ करोड़ तकरीबन इसको इक्कीस हजार करोड़ मान लीजिए इतना रुपये बाजार से उठाने जा रही है अब अगर हम बात करें इतने बड़े इशू साइज की तो इतना बड़ा इशू साइज का आईपीओ भारत में इसके पहले कभी नहीं आया था इससे मतलब इसके पहले जो सबसे बड़ा इशू साइज का आईपीओ रहा है वो पेटीएम का रहा है जो पिछले ही साल आया था इसका इशू साइज था अठारह करोड़ उसके पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो था कोल इंडिया का जिसका इशू साइज था पंद्रह करोड़ और उसके भी पहले जो सबसे बड़ी रकम का आईपीओ था वह रिलायंस पावर का जो दो में आया था

जाएगी तो ये एलआईसी के बारे में कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई अब चलते हैं LIC के के डिटेल्स के उपर, क्या क्या है समझेंगे और क्लोज हो जाएगा नौ मईस को आपको लग रहा होगा कि पांच दिन का समय मिल रहा है लेकिन पांच दिन का समय नहीं है बीच में सैटरडे और संडे भी पड़ेगा और सैटरडे संडे को मार्केट बंद होने की वजह से आप उस दिन प्लेस नहीं कर सकते आईपीओ का प्राइस रखा गया नौ सौ दो रुपए से नौ सौ उनचास रुपए के बीच आपको पता ही बुक बिल्डिंग IPO है और बुक बिल्डिंग आईपीओ में हमेशा दो प्राइस दिए जाते हैं लेकिन जब भी आप किसी IPO में, तो में लगभग हर एक सब्सक्राइब हो जाता है और जब भी होता है तो उसमें जो कट ऑफ रखा जाता है, वो के होता है। तो इसलिए आप नौ सौ उनचास रुपए के प्राइस पर ही अपना बिल प्लेस कीजिएगा लॉट साइज पंद्रह आपको पता है कि आप आईपीओ में दो चार दस शेयर तो खरीद नहीं सकते अपने मन से आपको हमेशा एक लॉट में शेयर खरीदना होता है और इसमें एक लॉट में पंद्रह शेयर्स है यानी कि आपको कम से कम पंद्रह बाई करने ही होंगे और एक रिटेल निवेशक मैक्सिमम चौदह लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि एक लॉट में पंद्रह शेयर्स है तो आप चौदह लॉट में पंद्रह शेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका जो गणित आएगा आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब यहाँ समझिए इशू साइज इक्कीस हज़ार करोड़ जैसे कि मैंने आपको बताया आई के जरिए सरकार बाजार से इक्कीस हजार करोड़ रुपये उठाना चाह रही है और इसमें रिटेल तथा इंप्लॉय को पैंतालीस रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे ख्याल से अभी तक का यह जो एल का आई है ये सबसे अधिक डिस्काउंट दे रहा है अपने एम्प्लॉय को तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से आते हैं या एल के एम्प्लॉय हैं तो आपको पैंतालीस का डिस्काउंट मिलेगा और जब आप मैक्सिमम प्राइस यानी कि नौ सौ ऊपर बिट कीजिएगा तो उसमें से आप पैंतालीस रुपया माइनस कर दीजिए आपका हो पॉलिसी रखा गया साठ रुपए का आपका जो मैक्सिमम प्राइस उसमें साठ रुपए कम हो जाएगा और जब आप नौ सौ उनचास में साठ रुपए माइनस कर देंगे जो बचेगा उसमें जब आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तेरह हजार तीन सौ पैंतीस रुपया समझेंगे इसका जो अलॉटमेंट होगा बारह मई को होगा यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको बारह मई के दिन मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा तेरह मई को देखिए आईपीओ में सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर किसी व्यक्ति को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उसका पैसा वापस कर दिया जाता है इसीलिए आईपीओ को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा और सेफ तरीका माना जाता है समझेंगे क्रेडिट ऑफ शेयर हो जाएगा सोलह मई को यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डिमिट अकाउंट में शेयर शो करने लगेंगे सोलह मई से और आईपीओ का लिस्टिंग हो जाएगा सत्रह मई को यानी कि सत्रह मई के दिन से आप एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं या अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप सत्रह में लिफ्टिंग एनएससी और बी एस सी पर तो आजकल जितने भी आईपीओ आते हैं डिटेल्स जिसके बारे आपको बता दिया। अब ओवरऑल सवाल यह है कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है तो देखिए अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेंद पाने के लिए चाहते हैं तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं आपको अच्छा लिस्टिंग गेंद मिल जाएगा लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप यह सोच रहे हैं कि एक बार एल शेयर बाजार में लिस्ट जाती है और बाद में उसका शेयर खरीद लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो इसके लिए एक बार अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में सलाह मशवरा कर लीजिएगा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एलआईसी एक सरकारी कंपनी है और भारत में सरकारी कंपनियों के शेयर प्राइस जल्दी जल्दी जल्द नहीं बढ़ते हैं आपका पैसा बहुत समय तक इसमें फंसा रह सकता है फंसना तो नहीं कहेंगे हाँ लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो पैसा काफी समय लग जाएगा इसमें बहुत अधिक होने में क्योंकि सरकारी कंपनी के शेयर प्राइस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं और वही पैसा अगर दूसरी किसी अच्छी कंपनी में लगा देते तो आपका शेयर प्राइस उस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी जल्दी बढ़ता है आपका इन्वेस्टमेंट भी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा तो यही कारण है कि जिसके चलते मैं लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी को प्रीफेर नहीं कर रहा हूं हाँ लेकिन अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक कर दीजिएगा आपको अच्छा लिस्टिंग इन मिलने की उम्मीद है उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी जानकारी समझ में आई होगी फिर भी अगर मन में कोई सवाल है कंफ्यूज है तो आप कमेंट में जरूर पूछे मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए जहां शेयर बाजार से संबंधित प्रतिदिन का अपडेट आपको मुहैया कराए जाते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब चलिए धन्यवाद शुक्रिया